नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बेटी और बारूद। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ठीक इसी समय मोन महल के बाहर मानो तूफान आ गया था। घर पत्ता पत्ता कांप उठा था। जमीन यूं हिल उठी थी मानो उस पर किसी ने विशाल हथौड़ा दे मारा हो। फिर वातावरण में आया ये अद्भुत तूफान एकाएक शांत हो गया। राजकुमारी सायोनारा हमारे यहाँ ठीक इस इमारत के सामने उतर चुका है, जिसके नीचे कहीं दफन है वो वस्तु। गुड, अब हमारी तलाश पूरी हुई। अलना यान को पृथ्वीवासियों से बचाने के लिए अदृश्य रूप में यहाँ उतारना जरूरी था। अब कोई नहीं कह सकता कि यहाँ एक अंतरिक्ष यान खड़ा है। अब क्या आदेश है राजकुमारी सायोनारा? तुम यहीं रहोगी। अलना, हम जा रहे हैं उस वस्तु को हासिल करने। हमारे लौटने तक अपने आप को अदृश्य ही रखना। जो आज्ञा। अगले ही क्षण राजकुमारी सायोनारा तेजी से एक प्रकाश पुंज में बदल रही थी। इधर उस गोल तहखाने के अंदर इतना भव्य नीला प्रकाश, आखिर ये क्या चमत्कार है दादी माँ? बताती हूँ कपोल, सब बताती हूँ। विक्रम बेटे, जरा उस कांच की गेंद में हाथ डालना। दादी माँ की आज्ञा का पालन हुआ। ये गोल गोल क्या पड़ा हुआ है इस क्रिस्टल नुमा गेंद में? ओह, ये तो अंगूठी है दादी माँ, और इसमें जड़े नीलम से ऐसी अद्भुत नीली प्रकाश किरणें फूट रही है। हाँ पुत्र, यही वो अमानत है जो मैं तुम्हें सौंपना चाहती थी। मुझे? मगर क्यों? बताती हूँ पुत्र, सब बताती हूँ। दरअसल ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था। एक तरफ मूर्ण महल में तुम्हारे जन्म की खुशियाँ मनाई जा रही थी, दूसरी तरफ तुम्हारे दादाश्री के चेहरे पर परेशानी एवं चिंता के मिले जुले भाव दृष्टिगोचर हो रहे थे। क्या बात है स्वामी, खुशी के इस अवसर पर आप इतने चिंतित क्यों हैं? हम अपने पोते के भविष्य को लेकर चिंतित हैं ठकुराइन। हमारे पोते की जन्म कुंडली दर्शा रही है कि उसे जीवन में 2 बार भीष्म संकटों का सामना करना होगा, जिसमें उसके प्राण भी जा सकते हैं। हे भगवान, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? समाधान हमने ढूंढ लिया है। हम अपनी सारी यौगिक शक्ति एक ऐसे नगीने में भर देंगे जो सप्त धातु का बना होगा, मगर दिखने में नीलम जैसा होगा। इस सप्त धातु के नगीने को एक अंगूठी में जड़कर हम विशेष जगह पर रख देंगे। जब हमारा पोता 18 वर्ष का हो जाएगा, तब हम ये अंगूठी उसे पहना देंगे। तब उस पर आने वाले दोनों संकट टल जाएंगे। मगर 18 वर्ष की उम्र में ही क्यों, अभी क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पोते पर संकट 18 वर्ष आने वाले हैं, और नगीने में भरी जाने वाली यौगिक शक्ति का प्रभाव भी 18 वर्ष में ही शुरू होगा। ओह, इस बात का ख्याल रखना ठकुराइन, इस नगीने की कीमत करोड़ों रुपए है। तुम्हारे अलावा भूलकर भी किसी को इस अंगूठी का रहस्य मालूम ना पड़े। नहीं पड़ेगा स्वामी, और फिर तुम्हारे दादाजी ने इस अंगूठी का निर्माण कर उसे इस विशेष तहखाने में एक कांच की गेंद के अंदर रख दिया। एक तूफानी रात को अब हमारा अंतिम समय आ गया है ठकुराइन। हम अपनी अमानत तुम्हें सौंपे जा रहे हैं। हमारे पोते को 18 वर्ष में अंगूठी पहनाना ना भूलना। नहीं भूलूंगी स्वामी, फिर सदा के लिए उनकी आंखें मूंद गई। स्वामी सुबुक। मगर मुसीबतों का सिलसिला तो अब शुरू हुआ था। एक दिन तुम्हारे पिता एवं माँ की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। कलेजे पर पत्थर रखकर हमने उनकी चिता को अग्नि दी, और जब तुम्हारे 18 वर्ष पूरे होने में मात्र 1 वर्ष बचा था, एकाएक रहस्यमय ढंग से तुम मुंड महल से गायब हो गए। हम तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करने लगे, और जब तुम लौटे तो कैसी कैसी घटनाएं घटी, ये सब तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा। मेरा कुछ बदमाशों ने अपहरण कर दिया था दादी माँ, मगर अब आप चिंता ना करें। दुख भरे हुए दिन पूरे हुए। अब आपका पोता लौट आया है। अब दुश्मनों के सारे षड्यंत्र नाकाम हो जाएंगे।
मैं दादाश्री की आत्मा को प्रणाम करता हूँ। इस अंगूठी को अपनी उंगली में धारण कर रहा हूँ। इससे पहले राम अंगूठी को धारण कर लेता, बस। हे भगवान, ये कैसी बला है? बला नहीं, राजकुमारी सायोनारा कहते हैं मुझे। सायोन ग्रह से आई हूँ मैं। ये अंगूठी मौत की तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे मेरे पिता के प्राण बचा सकती है। हमको समझे नहीं सायोनारा? शायद तुम जानते नहीं पृथ्वीवासी, इस अंगूठी में जड़े नगीने में वो ताकत है जिससे ये गहन अंतरिक्ष के तारों एवं ग्रहों की ऊर्जा को अपने अंदर खींच सकता है और किसी भी व्यक्ति को आकस्मिक मौत से बचा सकता है। मेरे पिताश्री को किसी घातक बीमारी ने दबोच लिया है जिसकी वजह से वे धीरे धीरे मौत के मुँह की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी मौत लगभग निश्चित है। हमारे ग्रह के ज्योतिषियों ने गणना करके बताया है कि यदि पिताश्री को यौगिक ऊर्जा से निर्मित सप्त धातु की अंगूठी पहना दी जाए तो उनके प्राण बच सकते हैं, क्योंकि ये अंगूठी सुदूर तारों एवं ग्रहों से जीवन ऊर्जा खींचकर ना सिर्फ उनके प्राण बचा लेगी बल्कि उनकी घातक बीमारी को भी नष्ट कर देगी। तब से हम इस अंगूठी की तलाश में भटक रहे थे, अब मिली है हमें ये अंगूठी। ये अंगूठी दादी माँ की अमानत है सायोनारा, इसे कोई नहीं ले जा सकता। तुमने अभी सायोनारा की ताकत को देखा नहीं है पृथ्वीवासी? सायोनारा वो बेटी है जो अपने पिताश्री की जान बचाने के लिए बारूद भी बन सकती है। बचो दादी माँ, बड़ाम। आ राम भैया, बड़ाम। राम बड़ाम झटका लगा था दादी माँ के मस्तिष्क को, मगर अभी सोचने समझने का वक्त, इतना वक्त कहाँ था। बड़ाम। अगर सायोनारा इसी तरह आग के गोले बरसाती रही तो थोड़ी ही देर में ये तहखाना दहकती भट्टी बन जाएगा। बड़ाम। सायोनारा को किसी भी तरह रोकना होगा। 1 मिनट, ये क्या टपक रहा है? ओह, ये तो पानी है। इसका मतलब जहाँ यह तहखाना बना है उसके आसपास हजारों हजारों लाखों गैलन पानी होना चाहिए। अब सायनारा से बचने का यही एक रास्ता है कि सायनारा के हाथ से छूटे थे आग के गोले। बड़ाम बड़ाम। राम तो नीचे झुककर बच गया था पर यह मजबूत दीवार नहीं झेल पाई थी भीष्म प्रहार। जैसे मानो किसी बांध की दीवार तोड़कर पानी तहखाने में आग घुसा था। बचो कपोल, दादी माँ पानी की लहरों पर डूबने उतारने लगी थी सायोनारा। आ इससे पहले कि पानी का स्तर बढ़ जाए हमें फौरन मुंड महल की सीढ़ियों तक पहुँचना होगा। पानी बढ़ रहा है राम भैया, चिंता ना करो कपोल, मैं दादी माँ को कंधे पर उठाता हूँ। मुंड महल की घुमादार सीढ़ियों तक पहुँचते पहुँचते पानी उनके गले तक आ पहुँचा था। हिम्मत मत हारो कपोल, सीढ़ियाँ चढ़ो जल्दी। और हिम्मती लोग कभी भी हारते नहीं हैं। कुछ ही क्षणों पश्चात मोड महल के उसी कक्ष में वापस आ पहुँचे थे वे जहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। कक्ष में पहुँचते ही चौखाना वापस अपनी जगह फिट हो गया था। थैंक गॉड, अब हमें कोई खतरा नहीं। इस खतरे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है राम? मकरा दीवान जी, तुम क्यों ठकुराइन, हमें इस रूप में देखकर चौंक गए ना? हम सोच भी नहीं सकते कि तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। कोबरा बोलो ठकुराइन, कोबरा। तुम जैसे सांपों के फन कुचलना राम को अच्छी तरह से आता है कमीने। मुझे पहले ही शक हो गया था कि इन सारी घटनाओं का सूत्र कहीं ना कहीं तुमसे जुड़ा हुआ है, मगर आज तूने खुद अपना रहस्य खोल दिया है। बस लड़के, बहुत उछल कूद हो गई तेरी। अब जरा भी हाथ पैर हिलाया तो इन सब की खोपड़ियां फोड़ दूंगा। आह राम भैया, उफ, मेरी जरा सी हरकत इन सब की मौत का कारण बन सकती है। क्यों राम, हमने कहा था ना कि हमारे जाल से छूट पाना बहुत मुश्किल है। बेटा, यदि तुम मेरे पोते कुंवर विक्रम सिंह नहीं हो तो फिर कौन हो और क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? ये क्या बताएगा ठुकराइन? हम बताते हैं। ये लड़का भारतीय सीक्रेट सर्विस का जासूस राम है जिसे हमने विक्रम सिंह बनाकर मोंड महल में भेजा था,
ताकि ये तुमसे करोड़ों रुपए की अंगूठी प्राप्त कर सके, मगर ये कभी ना तुमसे जा मिला। तुम क्या समझती हो ठकुराइन कि कपोल के माँ बाप कार एक्सीडेंट में मरे थे? नहीं, उनकी हत्या मकड़ा के हाथों हमने करवाई थी ताकि भविष्य में कपोल एवं तुम्हें भी रास्ते से हटा सके। और अब हम तुम्हें तुम्हारे जीवन का अंतिम आश्चर्य दिखाते हैं। मकड़ा, उसे सामने लाओ। जी, अगले क्षण दादी माँ, विक्रम मेरे बच्चे, मेरे लाल विक्रम भैया। मुझे इन शैतानों ने अगवा कर दिया था दादी माँ, अब तुझे हमसे कोई नहीं छीन सकता मेरे लाल। बहुत हुआ ये दादी पोते का मिलन, अब तुम सब मरने को तैयार हो जाओ। सबसे पहले इस बछड़े को मारूंगा ताकि राम को ये सबक मिल सके कि हमसे धोखाधड़ी करने का क्या नतीजा होता है। उफ, रिमोट का स्विच दबाने पर भी रहीम का जिस्म फटा क्यों नहीं? वो इसलिए लल्लू क्योंकि असली रिमोट यहाँ है मेरे पास। तुमने क्या सोचा था चाले चलना सिर्फ तुम्हें आता है? मत भूलो कि हम भी सीक्रेट सर्विस के जासूस हैं। हम चाहते तो बहुत पहले तुम्हारा भांडा फोड़ सकते थे, मगर नहीं, ऐसा करने से तुम असली कुंवर को कभी हमारे सामने नहीं लाते, जबकि हमारा मकसद तुम्हारे चंगुल से असली कुंवर को निकालना था। इसलिए हम चुपचाप तुम्हारे कहे अनुसार चलते रहे। इस बीच रहीम ने असली रिमोट की जगह नकली रिमोट तुम्हारे पास रख छोड़ा था, तो प्यारे अब बाजी हमारे हाथ में है। तभी बचो राम। राम की जगह वो आग का गोला मकड़ा के जिस्म से टकराया था। बड़ा चिंदिया उड़ गई थी मकड़ा की। सायोनारा, तुमने क्या सोचा था सायोनारा पानी में डूब मरेगी? नहीं, तुम्हारे भागते ही मैं भी तहखाने से बाहर निकल आई थी और फिर सीधे अपने अंतरिक्ष यान में चली गई थी। वो पृथ्वीवासी मुझे चकमा दे गया अल्लाह, जल्दी बताओ वो उस समय कहाँ है? उसके पास मौजूद अंगूठी से निकली तरंगे उन सबके सामने वाली इमारत में होने का संकेत दे रही है। मुझे फौरन उस इमारत में पहुँचना होगा और मैं फौरन यहाँ चली आई तुम सबको मौत देने। उस बड़ी फुर्ती से बचाया था राम ने अपने आप को, मगर मकड़ा की फौज का ये सैनिक इतना खुशकिस्मत कहाँ था? बड़ाम, कहर बरसा रही थी सायोनारा। बड़ाम बड़ाम, एकाएक विक्रम, विक्रम कहाँ गया? ओह, लगता है इस अफरा तफरी का लाभ उठाकर दीवान विक्रम को ले भागा। सायोनारा, वो अंगूठी दीवान के पास है। इस तरह से देखा जाए तो दीवान सिर्फ हमारा ही नहीं तुम्हारा भी दुश्मन है। हमें मिलकर दीवान को खात्मा करना होगा। यदि असली गुनाहगार वो है तो उस दुष्ट के खिलाफ इंसाफ की जंग में मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर इस समय सबका ध्यान आपसी लड़ाई में लगा हुआ है। मैं इस बछड़े को मारकर अंगूठी समेत बहुत दूर निकल जाऊंगा। तभी ओह, ये एकाएक किससे टकरा गया मैं? ठक, ओह ये क्या है? ये तेरी मौत है दोस्त पृथ्वीवासी। नाइंसाफी एवं जुल्म कहीं भी हो, हम सायोनवासी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने कंप्यूटर पर सब देख लिया है, तूने भी जुल्म किया है एक सीधे साधे शाही परिवार पर। नाइंसाफी एवं जुल्म करने वालों के लिए हम सायोन ग्रहवासी का एक ही इंसाफ है, मौत। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। धड़ाक, आउच। कहाँ तक भागेगा कमीने, जिंदगी भर तो अपनी मौत से बचकर भागता रहा तू, अब मौत तुझे जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। पर खच्चे उड़ गए थे दीवान के। बड़ा, अब हमें आज्ञा दो पृथ्वीवासी। ठहरो बेटी, तुम दूर गगन से आई हमारी मेहमान हो और हम धरतीवासी की रीत है कि हम मेहमान को खाली हाथ नहीं जाने देते। हम राजा हरिश्चंद्र के देश के संतान हैं बेटी, दूसरों की खुशी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देते हैं। लो ये अंगूठी और बचाओ अपने पिता के प्राण। यदि तुम्हारे पिता के प्राण बच सकें तो इससे बढ़कर खुशी की बात हमारे लिए और क्या होगी? भावनाओं का इससे अच्छा प्रदर्शन और क्या हो सकता था? 3 दिन बाद राजनगर हॉस्पिटल में, अब कैसा महसूस कर रहे हो? जिस्म से माइक्रोबम निकल जाने के बाद एकदम चंगा महसूस कर रहा हूँ।
बच गए प्यारे, और ना इस बार तो गए थे काम से, सब तुम्हारी कृपा है। मोंड महल की कोई खबर? पगले तू क्या जाने, तेरी जिंदगी मेरे लिए कितनी अनमोल है। दादी माँ कपोल एवं कुंवर विक्रम सिंह ने तुम्हारे लिए शुभकामनाएं भेजी है। अब तुम जल्दी से अस्पताल से मुक्ति पाओ, क्योंकि चीफ अंकल ने हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस सौंपा है। हमें जल्द से जल्द इस नए केस में जुटना है। क्या फिर नया केस? ओह नो, और राम रहीम की ये केस तो चलती रहेगी। फिलहाल के लिए ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो चलिए इस कॉमिक्स की कुछ एडवर्टाइजिंग को देख लेते हैं। अगर आप भी क्रुक क्रुक बांड की तरह नाचना और मौज मस्ती करना चाहते हैं तो हो जाइए सूट बूट पहनकर तैयार, क्योंकि निकलने वाली है धमाका सिंह की बारात। भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाले कॉमेडी पात्र क्रुक बांड का निमंत्रणी कॉमिक विशेषांक।